बहुत मेहनत के बाद आज ये सफलतापूर्वक हो पाया है शो, और इसमें मेरा नहीं बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया है, खासकर राजू सर ने जो हमारे कोरियोग्राफर हैं बहुत सपोर्ट किया है, मेरी पार्टनर निशा और सारे कंटेस्टेंट जो भी हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, तो थैंक यू एवरीवन। ऑडिशन किए थे और कुछ फ्रेंड सर्कल में थे तो उसके जरिए से बैन आज हो गया शो। आप क्या कहेंगे सोनू जी के बारे में और निशा जी के बारे में जिन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया? हमारे ऑर्गेनाइजर बहुत ही हेल्पिंग केयरिंग और काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी सपोर्ट किया और विनर एम काफ़ी हर एक स्टेप में उन्होंने सपोर्ट किया। या एग्जैक्टली मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है। या श्योर बिल्कुल मैं चाहूँगी। अभी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी मिल रही है? मुझे बहुत 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 खुशी मिल रही है, बहुत हेल्पिंग नेचर था सोनू जी का और ये मेरा भी पहला एक अचीवमेंट है एंड आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर दिस एंड आई होप दैट आई विल अचीव समथिंग इन माय लाइफ आफ्टर दिस। थैंक्स अ लॉट। सिंगिंग टैलेंट भी दिखा, मैं सिंगिंग करना है क्या? वो भी पहली बार ही किया था मैं, वैसे भी मैं भी बाथरूम सिंगर ही हूँ, बाथरूम के बाहर आज पहली बार गाना गाया मैंने, सो इट वॉज फन एंड आई लव्ड इट। थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है एंड वी आर वेरी हैप्पी। ये मिस मैं मिस्टर, सो थैंक्स एवरीवन, आप सबके इतने सारे प्यार और हमारे जजेस जिन्होंने हमें जज किया और आप सबके सपोर्ट, प्यार के बिना ये इम्पॉसिबल था। थैंक्स एवरीवन। स्पिरिट इंडिया एंटरटेनमेंट एक प्रोडक्शन हाउस है जो कि एक वेब सीरीज का प्लान चल रहा है, उसके बाद मूवी आई थिंक देखते हैं कितना सपोर्ट मिलता है, कहाँ तक जाते हैं हम लोग। सफलतापूर्वक आयोजित किया आपने इंस्टाग्राम का और सोनी जी जैसे पार्टनर जो काफी सपोर्टिव हैं। इट्स वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ द फैशन शो एंड ऑल, मतलब एज एन ऑर्गेनाइजर इट्स नॉट एन इजी टास्क टू कंप्लीट द थिंग्स ऑल टुगेदर फैशन शो एंड ऑल, सो विल टेक इट एज इट्स अ फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड इट्स अ नाइस मेमोरी। क्या चैलेंजेस था इतने कंटेस्टेंट को एक साथ जमा करना है इस इवेंट के लिए, मतलब चैलेंजेस तो होगा या नहीं होगा? इट्स अ बिग चैलेंजिंग वी टुक, मतलब नॉट ओनली वी टुक ऑल ग्लैमर कंटेस्टेंट्स, वी टुक ऑल टाइप ऑफ कंटेस्टेंट, इधर हाइट लेस हाइट, मतलब जो हाइट कम है ज़्यादा है, जो टैलेंटेड टैलेंटेड लेस, मतलब वी डिंट गो ऑन फैशन बेसिस, वी जस्ट वेंट ऑन लाइक जस्ट टू गिव प्लेटफॉर्म टू ऑल द पीपल, मतलब गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो वी डू द सेम थिंग, मतलब कितने लोगों को हम सपोर्ट कर सकते, कितने लोगों को प्लेटफॉर्म दे सकते, विल डू आवर बेस्ट। फ्यूचर विजन बीइंग थैंक वी डिंट कीप एनी फ्यूचर विजन, गोइंग विद फ्लो एंड गिविंग प्लेटफॉर्म टू द नंबर, मतलब जस्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द पीपल एंड लेट्स मेक देम हैप्पी, मतलब जो दे डिजर्व, मतलब व्हाट दे डिजर्व दे आर प्रोवाइडिंग। खुश हूँ मैं मुंबई आया और मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और मैं आगे इसमें और भी सफलता आगे रैम वर्क करूँगा, मॉडलिंग को अपना करियर बनाऊँगा और करियर बना करके आगे मेहनत करूँगा इसमें। आपका नाम बताइए, कैसा फील कर रही हैं इवेंट में पार्टिसिपेट करके? माय नेम इज मोनिका, बहुत अच्छा लग रहा है एंड सच में नहीं पता था कैसे ये रनर अप अचीव होगा, आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस, थैंक यू सो मच। और सोनू जी और निशा जी का मैं क्या कहना चाहूंगी जो सर बहुत अच्छे हैं, पहले तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं था, दिस इज माय फर्स्ट शो तो मुझे ऐसा नहीं पता था कि लाइक मैं हो जाएगा मुझसे एंड ही वाज द एनकरेजिंग पर्सन फॉर मी, रियली थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ देम। हाय दिस ललित सत्यार्थी और बेसिकली फ्रॉम आगरा से हूँ मैं और अभी यहाँ रह रहा हूँ काफ़ी टाइम से मुंबई में, तो ये मेरा सेकंड है मॉडलिंग रैम शो, हमारा 2015 का मैं विनर हूँ आई बी मॉडलिंग रैम शो का और यहाँ पर इस बार मैं हूँ फर्स्ट रनर इस शो का, तो अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोगों ने मेहनत की है, हमारे जो कोरियोग्राफर हैं राजू सर उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है हम सबके साथ में और सोनू और निशा ये सारे लोगों ने हमारे साथ बहुत मेहनत की है, उनके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ।